नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। 2024 का पहला महीना काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार और प्रशासन बहुत समय से लगी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही विधि विधान से की जाएगी। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यह अवधि कुल 84 सेकंड की है। भगवान राम को 56 चीज़ों का भोग लगाया जाएगा, इसमें से एक है पान। जी हाँ, केवल एक पान नहीं बल्कि 151 पान का भोग लगाया जाएगा। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में पूजा के लिए कई सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि पान के पत्ते के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरे नहीं होते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने पूजा के पान के पत्ते का इस्तेमाल किया था, और इस कारण से ही हर एक विशेष पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि पान के पत्ते में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु समेत कई देवताओं का वास होता है। इसी कारण से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी पान का भोग लगाया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में राम जी को 151 बनारस के स्पेशल पान का भोग लगाया जाएगा। बता दें कि 151 पान के अलावा 1000 पान का ऑर्डर दिया गया है, जो भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। भोग के लिए पान बनारस से रिंकू चौरसिया द्वारा बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इनकी 2 पीढ़ियां श्री राम को बहुत समय से पान का भोग भेजती रही हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।